हेलो दोस्तों, आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं यहां पर MI के Redmi 9 पावर मोबाइल फ़ोन की, जो कि आपको यहां पर दिख जाएगा। इस तरह से दिख रहा है यहां पर, ये बजट रेंज में आने वाला मोबाइल है। तो यहां पर इसमें क्या क्या आपको स्पेसिफिकेशन मिलते हैं वो सब मैं आपको डिटेल से इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए उससे पहले मैं यहां पर वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ से जाकर आप इसे परचेस कर सकते हैं। देख सकते हैं इसमें आपको क्या क्या मिलता है। तो बाकी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, तो चलिए हम वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम है सुमित मौर्य और आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो चलिए फिर इसकी जल्दी से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग के लिए मैं इसे निकाल लेता हूँ इस तरह से, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा कलर वगैरह, तो आपको जो चाहे वो ले सकते हैं। इसमें तीन चार कलर आते हैं, और जल्दी से हम निकाल लेते हैं इसके। तो फ्रेंड, आपको कुछ इस तरह का यहाँ पर बैक कलर मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही है। जो और फोनों में आते हैं काफ़ी लूज रहते हैं, तो इसे देखकर काफ़ी थोड़ा कड़क लग रहा है और ये अच्छा रहेगा। तो चलिए मैं जल्दी से इसे रख देता हूँ साइड में, और बाकी चीज़ हम देख लेते हैं। इसमें कुछ यूज़र गाइड वगैरह हैं, तो इन्हें भी रख देता हूँ साइड में, और बाकी अंदर क्या मिलने वाला है। हाँ जी, तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपने ट्रे निकालने के लिए एक मिल जाएगी पिन, तो इससे आप निकाल सकते हैं, जो कि इस तरह से है यहाँ पर, ठीक है। और बाकी चलिए फ्रेंड, यहाँ पर मेन फोन निकाल लेते हैं। तो मेन फोन आपको कुछ इस तरह से दिख जाएगा, तो ये है, मैं इसे भी रख देता हूँ साइड में। तो साथ ही फ्रेंड, यहाँ पर आपको मिल जाता है एक पावर अडेप्टर, जो कि आपको इनपुट देता है 0.5 एम्पियर, और फिर आउटपुट देता है आपको 2.25 एम्पियर मैक्सिमम। और साथ ही फ्रेंड, यहाँ पर आपको मिल जाता है सी टाइप USB केबल, जो कि यहाँ पर आपको इस तरह से दिख जाएगी। तो कुछ इस तरह से है ये। तो चलिए फ्रेंड, अब हम जल्दी से यहाँ पर मेन फ़ोन को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं फ़ोन को पहले निकाल लेता हूँ, और कुछ आपको इस तरह से यहाँ पर लुक देखने के लिए मिल जाएगा। काफ़ी स्लिम दिख रहा है, और पीछे से कुछ आपको इस तरह से दिख जाएगा। तो यहाँ पर कैमराज वगैरह का आपको दिख ही रहा है। तो यहाँ पर चलिए मैं पहले इसे ऑन कर लेता हूँ, फिर बात करते हैं हम इसके बारे में। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। तो यहाँ पर लगभग ऑन हो चुका है ये। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये ऑन हो गया है, और काफ़ी डिस्प्ले जो है इसकी स्मूथली वर्क कर रही है। तो जैसे कि मैं इसे देख रहा हूँ, ये जो डिस्प्ले है, तो चलिए फिर इसके डिस्प्ले की बात करूँ, तो जो ये आपको डिस्प्ले मिल जाती है 6.53 सेंटीमीटर की, जो फुल HD और IPS डिस्प्ले के साथ आती है। और ये मैं चला के देख रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी चलाने में अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे काफ़ी स्मूथली वर्क कर रहा है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन जो दिख जा रही हैं, तो यहाँ पर काफ़ी एप्लीकेशन आपको मिल जाती हैं। तो जैसे कि आपको इस तरह से दिख रहा है, अगर मैं बात करूँ इसके डिज़ाइन की, तो यहाँ पर आपको ये ऑरा पावर डिज़ाइन के साथ आता है। तो चलिए अब हम इसके कुछ बटन्स और फीचर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है साइड में, तो ये आपको यहाँ पर साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, और साथ ही पावर ऑन ऑफ के लिए आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले ऑन ऑफ कर सकते हैं। साइड ही ऊपर आपको अप डाउन यहाँ पर वॉल्यूम के लिए मिल जाता है, जहाँ पर आप अपना वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर और भी वॉल्यूम सेटअप कर सकते हैं, जैसे कि कॉल वगैरह का। तो यहाँ पर इस तरह से आपको दिख जाएगा। तो काफ़ी स्मूथली बटन यहाँ पर काम कर रहे हैं। और साइड में मैं ऊपर की बात करूँ, यहाँ पर आपको मिल जाता है एक प्राइमरी स्पीकर, माइक्रो स्पीकर, और साथ में आपको हेडफोन जैक मिल जाता है, जो कि 3.5 का है, और आपको एक स्पीकर मिल जाता है। और साइड में आपको मिल जाता है यहाँ पर 3 स्लॉट, जहाँ पर आप 2 अपनी सिम लगा सकते हैं, और एक आप मेमोरी कार्ड भी यूज कर सकते हैं, जो कि आपको 256 GB प्लस तक सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर आप 1 TB तक भी कर सकते हैं इसे सपोर्ट। और साथ ही फ्रेंड, ये यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से लगा लेनी है। और फ्रेंड, मैं अगर इसके नीचे साइड की बात करूँ, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है सेकेंडरी प्राइमरी माइक्रो स्पीकर, और यहाँ पर जो मिल जाता है आपको सी टाइप USB केबल का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर आप चार्जर केबल अपने लगा सकते हैं, चार्जर कर सकते हैं। साइड में आपको यहाँ पर मिल जाता है एक स्पीकर ग्रिल, जो कि काफ़ी अच्छा साउंड देता है, और यहाँ पर आपको 2 स्पीकर ग्रिल मिल जाते हैं। बैक साइड की बात करूँ, तो यहाँ पर आपको कुछ और डिज़ाइन के साथ यहाँ पर इस तरह से लुक मिल जाता है, यहाँ पर रेडमी की आपको कुछ ब्रांडिंग भी दिख रही है, और कैमरा सेटअप कुछ आपको इस तरह से दिख जाता है। तो ये सामने से कुछ आपको इस तरह से दिख जाता है, और ये और डिज़ाइन के साथ आता है, जो आपको इस तरह से यहाँ पर दिख जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ स्पेसिफिकेशन की। तो चलिए अब चलते हैं इसके सेटिंग में और अबाउट ऑप्शन में चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर अभी अबाउट फोन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं डिवाइस नेम की बात करूँ, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है Redmi 9 Power, और इसके MIUI वर्जन की बात करूँ, तो यहाँ पर आपको 12.06 का मिल जाता है। स्टोरेज की बात करूँ, तो यहाँ पर 64 GB का आपको स्टोरेज मिल जाता है इसमें। और साथ ही इसके एंड्रॉयड वर्जन की बात करूँ, ये किस पे काम करता है, तो ये एंड्रॉयड 10 पर काम करता है। इसके एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच भी यहाँ पर आपको लेवल इस तरह से दिख जाएगा। और फिर यहाँ पर ऑल स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, तो यहाँ पर 4 GB रैम और ऑक्टा कोर मैक्स 2.0 GHz का आपको यहाँ पर प्रोसेसर मिल जाता है, और
क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 को यहाँ पर प्रोसेसर मिल जाता है, एंड्रॉयड 10 वर्जन पे ये काम करता है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी पैच जैसे मैंने बताया आपको 2021 1.1 को यहाँ पर अपडेट हो चुका है। तो यहाँ पर आपको मॉडल नंबर वगैरह सारे यहाँ पर इस तरह से दिख जाते हैं। कर्नल वर्जन आपको लेटेस्ट मिल जाता है 4.19। तो यहाँ पर आपको जो बैटरी की बात करूँ तो यहाँ पर बैटरी जो आपको मिल जाती है 6000 mAh की लार्ज बैटरी मिल जाती है, और यहाँ पर आपको बैटरी सेवर का भी ऑप्शन मिल जाता है और अल्ट्रा बैटरी सेवर का भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख जाएगा इस तरह से। तो बैटरी यूजेस स्टेटस वगैरह आपको यहाँ पर बैटरी सेवर के यहाँ पर शेड्यूल वगैरह पावर ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं बैक कर लेता हूँ यहाँ पर। तो प्राइम में इसके कैमरे की बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो मेन कैमरा मिल जाता है वो 48 MP का कैमरा मिल जाता है, और सेकंड कैमरा आपको 8 MP अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस का मिल जाता है, और थर्ड कैमरा आपको 2 MP डेप्थ सेंसर मिल जाता है, और आपको नेक्स्ट मिल जाता है जो 2 MP माइक्रो लेंस मिल जाता है। तो यहाँ पर एक आपको फ्लैश लाइट मिल जाती है, और साथ ही ब्रांड आपको यहाँ पर जो बैक कैमरा है कुछ इस तरह से यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको कुछ देखने में काफ़ी डिज़ाइन है जो काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है। तो यहाँ पर आपको ब्रांडिंग भी दी गई है, 48 MP भी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर कुछ लुक इसका इस तरह से देखने को होने वाला है। तो चलिए ब्रांड अब हम बात करते हैं इसके मेन कैमरे की। तो यहाँ पर आपको जो मेन कैमरा है वो आपको इस तरह से दिख जाएगा, पंच होल में दिया गया है। तो यहाँ पर जो 8 MP का सेल्फी कैमरा है जो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, तो ये काफ़ी अच्छी सेल्फी वगैरह नाइट में आप ले सकते हैं इससे, तो कुछ इस तरह से है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं इसके। तो आपको कुछ इस तरह दिख रहा है, अभी मैंने यहाँ पर नाइट में ओपन कर रखा है, तो यहाँ पर मैं अभी मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से फेस दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा सेल्फी आप ले सकते हैं नाइट में, थोड़ा सा आपको इसमें वीडियोज़ में थोड़ा अलग दिख रहा होगा, लेकिन ये ऐसा है। तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ इसके बैक कैमरे की। तो बैक कैमरा आपको कुछ इस तरह से दिख जाएगा। तो हम चलिए कुछ मोबाइल का बॉक्स ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ बैक कैमरा इस तरह से दिख जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पर आप क्लिक कर लेते हैं फ़ोटो, और फोटो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो मैं जब इसे जूम करूँगा तो ये जूम के बाद यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा दिखता है। यहाँ पर जो आपकी पिक्चर है वो फटती नहीं है, जैसे कि आप कभी फ़ोटो खींचेंगे तो यहाँ पर जैसे कि आपको दिख जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ जूम करने में काफ़ी ज़्यादा जूम भी हो सकता है इसमें, तो इस तरह से आपको दिख जाएगा। अब बात कर लेते हैं अब कुछ अलग फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है, वीडियो मिल जाता है प्रो वर्जन, तो आप वीडियो वगैरह भी यहाँ से नॉर्मली अच्छी तरीके से शूट कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर बात करूँ आप 48 MP कैसे यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर आपको साइड में यहाँ पर एक मोर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मोर के ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 48 MP का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर 48 MP आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर इस तरह से आप एक फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ मैं, तो इस तरह से आप फोटो भी क्लिक कर पाएंगे, यहाँ पर एक्टिव दिखाएगा आपको। तो चलिए मैं यहाँ पर बैक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कुछ बात करूँ इसके और फीचर्स के, यहाँ पर जो फिल्टर्स वगैरह आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, तो इस तरह से आपको नीचे जब देखेंगे तो आप फिक्चर के साथ अपने जैसे चाहें जैसे रख सकते हैं, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग तरह के आपको फिल्टर्स वगैरह मिल जाते हैं, जो कि आप उनको सिलेक्ट करके यहाँ पर फोटो क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए फिर आप बात कर लेते हैं इसके साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की। तो ये काफ़ी अच्छे से काम करता है, बाकी स्मूथली काम करता है, तो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है यहाँ पर, तो फटाफट काम करेगा इस तरह से, और यहाँ पर मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, काफ़ी अच्छे से टच ले रहा है, तो इस तरह से बहुत बढ़िया से वर्क कर रहा है। तो चलिए फिर अब हम बात कर लें इसके फेस कैमरे की। तो फेस कैमरे की तरफ मैं इसे करता हूँ, तो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे ऊपर की तरफ यहाँ पर राइट मार्क हो गया है, तो जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ राइट मार्क इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से फेस अनलॉक हो रहा है यहाँ पर, तो फेस अनलॉक को इस तरह से आपको दिख जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से यहाँ पर फेस अनलॉक कर दे रहा है, काफ़ी अच्छे से यहाँ पर फेस लॉक वर्क कर रहा है इसका। तो मैं एक बार और ट्राई कर लेता हूँ, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पर काफ़ी तरह से कर लेते हैं, तो यहाँ पर बार बार ये काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, बहुत ही जल्दी यहाँ पर अनलॉक कर ले रहा है। तो चलिए फ्रेंड ये आपको वीडियो कैसे लगा, तो वीडियो को कमेंट करके जो बताइएगा। और चलिए फ्रेंड अब हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।